एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अब हम करेंगे हरियाणा का 21वां जिला। सिर्फ हमारा दादरी जिला बचेगा, अब हम पलवल करते हैं। पलवल किस जिले के रूप में गठन हुआ? 21वां। 20वां कौन सा था? नू। आपका उससे पहले जज्जर फतेहाबाद 1819। 17वां आपका पंचकुल्ला। तो जो एक एक जिला है, पंचकुल्ला, नू, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, ये आपको याद रखने हैं कौन से नंबर के जिले बने थे। कब बना था आपका? 15 अगस्त 2008। पंचकुला भी 15 अगस्त 1995 को बना था। तो पंच पलवल, एक सा जैसे P4, पलवल P4, पंचकुला। पलवल जिला आपका 2008 में बना। इसका इतिहास ये है कि श्री कृष्ण जी से संबंधित है ये जिला, क्योंकि जो हसनपुर आपका, जहाँ से यमुना एंटर करती है यूपी में, तो यूपी से टच होता जिला है ये। तो यूपी से डायरेक्ट संबंध है कि श्री कृष्ण जी जो यहाँ का रास नृत्य है, रासलीला, और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो अगला जिला जिसमें एक और फेमस नृत्य है, रास नृत्य, वो आपको पलवल है। तो श्री कृष्ण जी ने एक टाइम क्या किया कि वो रासलीला कर रहे थे उस टाइम, मतलब रास करते वो एकदम से गायब हो गए। तो गोपियाँ उनको ढूंढते ढूंढते 84 कोस आ पहुंची थी, और वो एक जंगल में पहुंच गई। वो जगह कौन सी थी आपकी? पलवल। वहां की उन्होंने क्या किया, उनको फिर भी दिखाई नहीं दिया, तो उनको उनकी माँ यशोदा को बता दिया उन्होंने। तो कृष्ण जी उनसे डर गए, फिर उन्होंने क्या किया, कुंड में छलांग लगा दी। फिर उसका नाम हुआ अंजनी कुंड। अंजनी कुंड इसलिए क्योंकि जब वो वहां से कुंड में उन्होंने छलांग लगाई, तो फिर उनकी माता जी को वो दिखे हनुमान जी बन के, हनुमान जी बन के बाहर प्रकट हुए। फिर उनकी माता ने कहा कि मेरा बेटा खो गया, वो मुझे लौटा दीजिए। तो फिर उन्होंने दूसरी साइड से कृष्ण जी बन के बाहर आ गए, तो फिर उसका नाम हो गया अंजनी कुंड। तो अंजनी कुंड पूछे आपका बलवाणा नामक जगह है, अंजनी कुंड बुलवाणा, जगह बुलवाणा होडल पलवल। होडल आपकी आरक्षित सीट है। एक और इम्पोर्टेंस यहाँ से कि 1919 में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो बस मेनली ये दो इतिहास आपके थोड़े ऐसे, ये तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में है। बाकी कृष्ण जी से संबंधित है, वो कौन सा जिला है जो श्री कृष्ण जी से संबंधित है? आपका पलवल। दूसरा अगर देखें तो आपका कुरुक्षेत्र। साक्षरता दर कितना है यहाँ का? 69%। तेरह सौ उनसठ वर्ग किलोमीटर एरिया, 69% साक्षरता दर। 10,42,708 जनसंख्या। इनका पुराना अगर उपनाम देखे पलवल का, तो कोट्टन सिटी भी से कहते हैं रोहतक और पलवल को, कोट्टन सिटी। एक और नाम है उपलवा, पलवल उपलवा, आप समझ जाना। यहाँ पे मेले लगते हैं मेनली दो, रक्षाबंधन व बलदेव छठ। बलदेव छठ के ज्यादा चांसेस आने के, बलदेव छठ। रक्षाबंधन का आपका हिसार, पलवल, और भी जगह लगता है। बलदेव का मेला आपका एक फरीदाबाद में है, लेकिन बलदेव छठ है पलवल, तो ये चांसेस हैं। बलराम जी का संबंध आपका पलवल से, क्योंकि दाऊ जी मंदिर बंजारी पलवल, दाऊ जी का मंदिर बंजारी। और हरियाणा सरकार के साथ साथ जो नेशनल सर्वे है हमारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, उसने क्या कहा कि 12 स्मारक हैं यहाँ पे नेशनल लेवल के। वो आपको इंडिया जीके में हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंडिया जीके का कुछ एक पार्ट आपको करवाने की, तो नेशनल जीके में आपको करवा देंगे। 12 स्मारक हैं टोटल हरियाणा में, कितने माने हैं उसने? 90। जैसे आपका प्राचीन टीला अगरोवा, वो आपका केंद्र सरकार के ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, लेकिन हरियाणा सरकार के अंडर में नहीं है। उसी तरह ASI ने 90 स्मारक है, वो आपकी कोस मीनारे भी है जो शेरशाह सूरी की थी, उसमें से कुछ एक आपको प्राचीन टीला है, या फिर कुणाल, जहाँ पे कुणाल बिरडाना, ये सारी ASI के अंडर में है। राखीगढ़ी, ये सारी चीजें। तो ये पूछ सकता है हरियाणा में कितने ASI के स्मारक हैं? 90।
ऑफिशियल लट्टा है, उसमें आपका गुजरी महल भी है, आपका बरसी दरवाज़ा, सलारगंज गेट, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और जो हरियाणा सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उसमें अलग है, वो हम करते हैं। जो सती का तालाब व छतरी दोनों संरक्षित स्मारक है, संरक्षित स्मारक। एक कच्ची खेड़ा नामक जगह है, ये भी एक प्राचीन टीला है। यहाँ से क्या मिला आपकी स्लेटी पेंटिंग, स्लेटी व काली। अगर स्लिप ऑफ टंग की वजह से दरोंड खेड़ा नामक जगह जो जींद में है, उस जगह अगर कच्ची खेड़ा बोला गया हो तो आप करेक्ट कर लेना, कच्ची खेड़ा आपका होडल पलवल में है और ये आपका संरक्षित धरोहर है हरियाणा सरकार की, कच्ची खेड़ा। एक गांधी आश्रम व गांधी म्यूजियम, गांधी आश्रम व म्यूजियम, सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था ये म्यूजियम, भी आपका पलवल में रहेगा गांधी म्यूजियम। अंजनी कुंड आपका बुलवाणा होटल, इसी के साथ साथ आपका सती का मंदिर भी, जो हमने सती का ताला व छतरी की, इसी तरह सती का मंदिर, सती मंदिर व सती का स्थान भी बोल देते हैं, सती का स्थान होटल पलवल। गांधी आश्रम कब बना था आपका, 1930 में। अब है यहाँ का पर्यटन केंद्र डबचिक, डबचिक कहाँ का पर्यटन केंद्र है पलवल का। एक यहाँ पे बहुत पुराना जंगल है चमेली जंगल, चमेली, वहां पे भी हनुमान जी का मंदिर है और बहुत सारे श्रद्धालु हर मंगलवार व शनिवार को यहाँ आते हैं, तो चमेली जंगल का संबंध है पलवल से। एक पंचवटी मंदिर आपको पता ही है, पंचवटी, पंचवटी नामक जगह या फिर पंचवटी मंदिर पूछे पलवल में। जल महल है आपका नारनौल में भी है, और एक जल महल आपका हरियाणा सरकार मानती है पलवल में भी है, ओडल में ही। अगर हरियाणा सरकार आपके प्रोटेक्टेड साइट की बात करे, सबसे ज्यादा नारनौल में है, उसके बाद आपके पलवल में, जैसे आपका कच्ची खेड़ा, आपका जो प्राचीन टिल्ला, कच्ची खेड़ा वाला, सती का तालाब व छतरी व अन्य 12 स्मारक और हैं एएसआई के, 12 एएसआई के स्मारक। एक 12 खंबा छतरी ये भी आपकी पलवल में है। माटिया किला, माटिया किला आपका पलवल, माटिया किला। यक्षिणी की प्रतिमा कहां से मिली थी हरियाणा में, यक्षिणी आपकी पलवल, हथीन, पलवल से हथीन। तो हथीन का संबंध पूछे आपका पलवल से। महाराणी किशोरी महल, किशोरी महल ये भी आपका पलवल में रहेगा। काशीराम की हवेली, काशीराम हवेली पलवल। ब्रिजभाषा का संबंध पूछे हरियाणा में, ब्रिजभाषा ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन ब्रिजभाषा का संबंध आपका पलवल से। प्रमुख व्यक्तित्व राय बहादुर लाला मुरलीधर, जिनकी कर्म भूमि अम्बाड़ा थी, जन्म कहाँ हुआ था पलवल में, राय बहादुर लाला मुरलीधर, वो हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही थे। राय बहादुर लाला मुरलीधर, ८८६ में अम्बाड़ा में पहली कांग्रेस की शाखा लेके आए थे, कांग्रेस की शाखा। और क्या था इन्होंने, पहले जेल सत्याग्रही हरियाणा से। सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष, इनका संबंध भी सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष। अब मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूँ, गंदी राइटिंग कुछ भी, आप साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ दो बार बोलता हूँ, आप लिख लिया करो बस।
हसनपुर जहां से आपकी यमुना नदी यूपी में एंटर करती है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहां से किसने किया था? गफूर अली। आपका मेवात से किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती। झज्जर से अब्दुल रहमान। आपका पानीपत से आपका इमाम अली कलंदर। फरुखनगर से किसने किया आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमने 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। 1857 की क्रांति का संबंध गफूर अली। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे 1930 में आपका गांधी आश्रम बनवाया था, तो उनके लिए भी कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो सुभाष चंद्र स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम जींद में, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम आपका पलवल में, चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका गुरुग्राम, चौधरी देवीलाल स्टेडियम पंचकुला। इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना बस। नेहरू पार्क आपका कैथल में। तो पलवल जिले से ये थी मेन मेन चीजें, और बाकी अगर आप चाहो तो दो दो घंटे भी एक जिले को पढ़ सकते हो। बाकी हमने ओवरव्यू सारा कुछ पढ़ा दिया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा गया आज तक, जो सती का मंदिर, लेकिन सती का तालाब व छतरी हरियाणा में क्या है, एक संरक्षित स्मारक, और आपका कच्ची खेड़ा नामक जगह आज तक नहीं पूछी गई, वो आ सकती है। राय लाला मुरलीधर का संबंध बहुत बार आ लिया आपका, गफूर अली, लेकिन आपका आज तक अंजनी कुंड नहीं आया है, तो वो आ सकता है। ब्रजभाषा का संबंध नहीं आया है, और आपका चमेली जंगल नहीं आया, इस टाइप की चीजें नहीं आई हैं आज तक, वो आ सकती हैं आगे। तो बस यही चीजें थी जो पलवल से हमें मेन मेन जाननी थी, आपका कॉटन सिटी पलवल व रोहतक। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन हो तो बताएं। अब हम दादरी जिला करके क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, और उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि एक आर्ट्स एंड कल्चर की, आर्ट्स एंड कल्चर, जैसे आप देखते हो हरियाणा में दो चार चीजें मानते हो कि यहाँ पे धमाल नृत्य था, खोड़िया नृत्य था, ये सब, लेकिन कुछ एक आर्ट्स एंड कल्चर की वो चीजें हैं जो आपने आज तक सुनी भी नहीं है। जैसे कर्ण कौशिक सर ने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था हड़जोतिया, हड़वासिया, मतलब जो खेती से संबंधित ये टर्म थे पुराने टाइम में, कलेवा आपको सुबह का भोजन, इस टाइप से। लेकिन कुछ एक आर्ट्स एंड कल्चर वो हैं जो आज तक शायद आपने सुने भी नहीं है। तो पहले अगर ये क्लास लेके आनी, या फिर वो 2200 क्वेश्चन पर डिस्ट्रिक्ट से 100 क्वेश्चन मिक्सअप, ये सीरीज होगी, हम 22 दिन ये क्वेश्चन शायद हम कोशिश करेंगे पर डे दो जिले 200 क्वेश्चन करेंगे 10-11 दिन में, और तब तक आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है हरियाणा जी किसे कुछ भी ना छूटे, हर जिले में जो कुछ छूटा है अगर झज्जर से खुर्शीद पहले से हमने छोड़ दिया तो क्वेश्चन में डालेंगे, और इस फॉर्म में डालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आपको करवा देंगे, फिर आप कभी भी वो क्वेश्चंस नहीं बोलोगे। हरियाणा के कोई भी एग्जाम दे देना, अगर आप ये नोट डाउन करके नोट्स बना रहे हो तो आपको न कोई बुक परचेज करने की जरूरत, न कहीं और से पढ़ने की जरूरत, आप ये पढ़ लो, दोबारा मेरी वीडियो भी मत देखो, सही रिवीजन बस यहीं से करो। अपना कीवर्ड सीधा बनाया, राय बहादुर 1886 अम्बाला कांग्रेस ब्रांच, पहले जेल सत्याग्रह, उसी के साथ फिर उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो बस, फिर आपको एक अच्छे तरह से पढ़ना आ जाएगा। अगर आप ये देखते हो कुछ एक चीजें हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलती, वो हम कोशिश करते हैं प्रोवाइड करवाने की। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।